हूँ स्टूडेंट। सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। हमने मिड में से जो है थर्ड लेक्चर तक पढ़ लिया, और उसके अलावा एक और स्लाइड भी है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाई थी। तो आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, फिलॉसफी ऑफ एथिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फाउंडेशन ऑफ एथिक्स। जी, फिलोसफी क्या चीज़ है? फिलोसफी अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स अलाउंग फॉर अल्टरनेटिव वे व्यूज़ ऑफ रियलिटी। ठीक है जी, आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर हम मतलब यकीन करते हैं, अलाउ करता है हमें अल्टरनेट व्यूज़। किससे? जो भी आपकी रियलिटी है आप उसको देख के मल्टीपल व्यूज़ देखते हैं, समझते हैं। ये होती है फिलोसफी, मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो रियलिटी है और मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों को देख के हम अल्टरनेटिव सिस्टम जनरेट करते हैं अपने दिमाग में, जैसे भी सोचते हैं। ये होती है फिलोसफी। एथिक्स बिलोंग्स टू फिलोसफी, नॉट साइंस। आपकी जो एथिक्स है वो बिलोंग होती है फिलोसफी से, फिलोसफी से बिलोंग होती है, लेकिन साइंस नहीं है एक्चुअली ये। अल्टरनेटिव व्यूज़ ऑफ फिलोसफी विल इन्फ्लुएंस, अल्टरनेटिव व्यू जो है फिलोसफी उसमें इन्हांस होते हैं, अकर होते हैं, योर डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड एथिकल बिहेवियर। जो भी आपके अल्टरनेटिव फिलोसफी के व्यूज़ हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? आपके जो एथिक्स है और एथिकल बिहेवियर है, इसकी वजह से होते हैं। देखिए, आप आश्रम में, सोसाइटी में रहते हो, आप लोग चीज़ों को व्यू करते हो, देखते हो, तभी आप कुछ प्रिडिक्ट करते हो, परसीव करते हो। तो वो जो भी एथिक्स है, एथिकल बिहेवियर है, वो आपको मजबूर कर देता है कि आप उसके ऊपर सोचें, समझें। तो ये होती है आपकी फिलॉसफी। हर एक स्लाइड में डेफिनेशन है एथिक्स की। द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, एस्पेशली व्हेन कंसीडर एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। जब हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो भी आपका नॉलेज है, रियलिटी है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसकी जो फंडामेंटल नेचर है उसको हम कहते हैं एथिक्स। और दूसरा क्या है? अगर थ्योरी है, आप थ्योरी और एटीट्यूड डेट एक्ट्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर अ बिहेवियर, आपकी एक ऐसी थ्योरी, आपका बिहेवियर जो कि परफॉर्म करता है एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल और बिहेवियर। हम एक बिहेवियर को ले के हमारा एटीट्यूड क्या, हमारी थ्योरी क्या, हम उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करते हैं, वो होती है आपका एथिक्स। जी, फिलॉसफी। फिलॉसफी आपकी लव ऑफ विजडम है, केयरफुल थॉट अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द वर्ल्ड है। जो भी हम केयरफुली थिंक अबाउट करते हैं, हमारी फंडामेंटल नेचर है, जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं, फिलोसफी यही होती है। दी ग्राउंड्स फॉर ह्यूमन नॉलेज, इसमें आपको बॉटम से लेकर ह्यूमन नॉलेज का पता चल जाता है। दी एवेल्यूशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और आपको जो एवेल्यूएट कर रहे होते हो, ह्यूमन कैसे कंडक्ट कर रहा है, वो सारी एवेल्यूशन इसके अंदर आपकी फिलोसफी आपको बताती है। जी, पार्ट्स ऑफ अ फिलोसफी सिस्टम आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी। ये सारी की सारी आपकी फिलोसफी की ब्रांचेज हैं। मेटाफिजिक्स ये क्या थ्योरी होती है? मेटाफिजिक्स ऐसी थ्योरी है जो कि आपकी नेचर ऑफ रियलिटी को बताती है या नहीं बताती, मतलब उसके बारे में पूछती है या नहीं पूछती। इट इज़ अ बिलीफ इन वट बेस्ट एक्सप्लेन रियलिटी। और देखते हैं कि हम देखो, मेटाफिजिक्स में मल्टीपल सोल्यूशन है, मल्टीपल थ्योरम होते हैं, मल्टीपल थेरी है। तो आप उसमें से देखते हो कि जो भी आपकी रियलिटी को अच्छा वाला एक्सप्लेन करती है, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी प्रूवन, इज़ इट एन अजम्पशन। और हम इसको जो अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही प्रूव नहीं कर सकते, जो भी है वो रियलिटी की बेस पे होती है मेटाफिजिक्स के अंदर। उसके बाद आता है आपका सेकेंड सिस्टम, एपिस्टेमोलॉजी, दी थ्योरी ऑफ ट्रुथ और नॉलेज। जी हाँ, ये आप ये ऐसी थ्योरी है जो कि सच्चाई और नॉलेज के ऊपर बेस करती है। आस्क पूछती है व्हाट इज ट्रू, कि क्या ट्रू है, एंड हाउ डू वी कम टू नो दैट ट्रुथ, कि हम उसके साथ कैसे जो है वो सच्चाई के साथ डील कर रहे हैं। एक्जियोलॉजी, दी थ्योरी ऑफ वैल्यू और वर्थ। आपकी एपिस्टेमोलॉजी किस चीज़ की थी? ट्रुथ और नॉलेज।
और आपकी जो एक्सियोलॉजी है ये थ्योरी किसके ऊपर है, ये वैल्यू और वर्थ बताती है। इट आस्क व्हाट इज़ गुड और बैड, ये हमें बताती है कि एक सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू हमारी फिलॉसफी हम थिंक करते हैं कि ये अच्छी है या नहीं है। तो इसके सब पार्ट्स हैं, टू सब पार्ट्स हैं, एथिक्स है और एस्थेटिक्स है। एथिक्स दी थ्योरी ऑफ गुडनेस और बैडनेस ऑफ फॉर ह्यूमन बिहेवियर, हमें पता चल गया एथिक्स क्या चीज़ है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में बताती है, किसके ह्यूमन बिहेवियर की, और ह्यूमन बिहेवियर को ही बताती है। एंड एस्थेटिक्स द थ्योरी ऑफ द गुडनेस और बैडनेस ऑफ विजुअल और ऑडिबल स्टिमुलाई एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ब्यूटी और अगलीनेस। अब ये आपकी गुडनेस और बैडनेस तो चलो एक बेसिक बिहेवियर जनरल बताती है, लेकिन एस्थेटिक्स ऐसी थ्योरी है आपकी जो गुडनेस और बैडनेस है इसको विजुअली कैरी करती है और आपकी एक्चुअली बिहेवियर बताती है। अगर आप गुड हो तो किस वजह से हो, अगर आप बैड मतलब बैडनेस फील कर रहे हो तो किस वजह से हो, आप मतलब इंटरनल मैटर इन्वॉल्व हो जाते हैं। गुडनेस है आपके साथ बड़ी अच्छी सिचुएशन हो सकती है, आप किसी नेचर को देख के खुश हो रहे हो, ब्यूटी को देख के खुश हो रहे हो। अगर बैडनेस हुई है आपके साथ, सम हो कोई प्रॉब्लम अगर हो गई है, आप अग्ली हो, एंग्री हो, ये सारी चीज़ें इंटरनल बिहेवियर इसका विजुअली एक्सप्रेस्ड करते हैं। हम जब सैड होते हैं तो हमारा फेस बता देता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारा फेस बता देता है। तो ये सारी चीज़ें आपके एस्थेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। कंपैटिबिलिटी दी पार्ट्स ऑफ अ फिलोसॉफिक सिस्टम मस्ट बी कंपैटिबल। जी कंपैटिबल यही होता है ना कि आपके वर्जन के साथ रिलेट कर रहा हो विद वन एंड अदर, और ये कंपैटिबल होना चाहिए, ऐसा सिस्टम हो कि वो कंपैटिबल हो, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। ये नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं और आपका सिस्टम उसको चला रह सके या आप उसको सपोर्ट कर सके। आप पर्सन व्यू ऑफ रियलिटी, तो आपकी जो मेटाफिजिक्स थी वो तो व्यू ऑफ रियलिटी है, जो भी उसको नज़र आता है वो रियलिटी को मेटाफिजिक्स फॉलो करती है। मस्ट बी कंसिस्टेंस, ये आपकी जो रियलिटी है मेटाफिजिक्स है, कंसिस्टेंस होनी चाहिए, डिपेंडेंट होनी चाहिए, मुश्तमिल होनी चाहिए। डिपेंडेंट और चीज़ होगी कंसिस्टेंट, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए विद हाउ दे थिंक रियलिटी इज नाउन एपिस्टेमोलॉजी। अब ये क्या कह रहा है, मस्ट बी कंसिस्टेंट विद हाउ, आपकी जो मेटाफिजिक्स है ये तीनों ब्रांचेस चूँकि आपस में रिलेट होके ही आपकी फिलॉसफी बनाती है ना, एक सिस्टम जनरेट करती है। व्यू ऑफ रियलिटी मस्ट बी कंसिस्टेंट विद हाउ दे थिंक रियलिटी इज़ नाउन, आप जो व्यू ऑफ रियलिटी कर रहे हो उसको कैसे रियलिटी को सोच रहे हो कि ये रियलिटी है, हाउ इज एपिस्टेमोलॉजी एंड हाउ इट इज़ टू बी वैल्यूड, और उसको कैसे एक सोसाइटी में वैल्यू दी जाए एक्सियोलॉजी। तो तीनों टर्म्स हैं व्यू ऑफ रियलिटी मेटाफिजिक्स, थिंक रियलिटी एपिस्टेमोलॉजी एंड वैल्यूड इज़ कॉल्ड एक्सियोलॉजी। तो तीनों टर्म्स को आपस में एक रिलेट कर दिया कि एक पर्सन के व्यू ऑफ रियलिटी मेटाफिजिक्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद हाउ दे थिंक रियलिटी इज नाउन एपिस्टेमोलॉजी एंड हाउ दे इट इज़ वैल्यूड, मतलब गुडनेस और बैडनेस, दैट्स ऑल। मेटाफिजिक्स इट इज़ अ फंडामेंटल और कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी, ये एलिमेंट है आपका कंट्रोल भी करता है, और चूँकि ये फंडामेंटल है जो आपकी जो फिजिक्स होती है, मेटाफिजिक्स ब्रांचेस का नेम है। द वे यू एक्सप्लेन रियलिटी विल डिटरमाइन योर व्यू ऑफ नॉलेज एंड वैल्यू। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो रियलिटी को, व्यू ऑफ रियलिटी को, व्यू ऑफ नॉलेज को, कि आप के जो नॉलेज है और उसकी वैल्यू है वो क्या रियलिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हो रही हैं या नहीं, तो आपकी मेटाफिजिक्स कंट्रोल करती है। आइडियलिस्टिक रियलिटी जी बिलीव दैट रियलिटी इज बेसिकली स्पिरिट रैदर देन मैटर। तो बेसिकली आइडियल है, हम स्पिरिट के ऊपर बेसिकली रियलिटी के ऊपर बिलीव करना पसंद करते हैं, जो भी आपका मैटर है उसके ऊपर हम नहीं करना पसंद करते, आइडियल है ना। फॉर द आइडियलिस्ट द आइडियल इज मोर रियल, तो आपके जो आइडिया है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि आइडिया से निकला है, तो फिर इसमें हम क्या देखते हैं कि आइडिया जो है वो आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए,
एंड मोर देन रियल देन दी थिंग, उन चीज़ों से मतलब आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए. सिंस द थिंग ओनली रिफ्लेक्ट्स और रिप्रेजेंट्स द आइडिया, तो यहाँ पे जो भी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी आइडिया को कर रहे होते हो, क्योंकि आइडियल रियलिटी का क्या मतलब होता है, आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए, शुड बी योर आइडिया भी. The word of spirit or idea, such that the immaterial word. अब इतनी दुनिया के अंदर हम देखते हैं, आप हमारा स्पिरिट होना चाहिए, हमारा आइडिया जो है वो शुड भी क्रिएट होना चाहिए. एंड इज स्टैटिक और एब्सोल्यूट, मे बी डिपेंड करता है कि आपका जो आइडिया है स्टैटिक भी हो और एब्सोल्यूट भी हो, दोनों ही टर्म होने चाहिए. ये नहीं कि आपका आइडिया जो है वो कंटिन्यूस चलता रहे, एब्सोल्यूट और स्टैटिक होना चाहिए. आइडियलिस्टिक्स एथिक्स, वो थी रियलिटी, ये है एथिक्स. जब हम एथिक्स की बात करते हैं ना, फिर गुडनेस और बैडनेस खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती है. गुडनेस इज फाउंड इन द आइडियल दैट इज इन परफेक्शन. आपकी जो गुडनेस है वो आइडियल बेस पे ही, क्योंकि आइडियलिस्टिक एथिक्स की बात कर रहे हैं तो परफेक्शन के ऊपर बेस कर रहा होता है. इट इज़ फाउंड ऑन द इमटीरियल लेवल दैट इज़ इन द परफेक्ट कंसेप्ट, और आपका ये जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, और ओपिनियन और आइडिया और समथिंग एल्स रिलेटेड टू योर एथिक्स. दिस परफेक्ट गुडनेस इज़ नेवर टू बी फाउंड इन द मटीरियल वर्ल्ड. सो हम ये नहीं, आप हमें भी पता है कि हम पूरी दुनिया में अगर ये कह लें कि हर चीज़ परफेक्ट है, तो वो हम कहीं पर भी फाइंड आउट नहीं कर सकते. Evil for the idealistic consist of the absence of the ideal. Evil तो पता है ना कि हम in other sense evil का कंसेप्ट हम शैतान की टर्म में लेते हैं, तो बुराई की टर्म में लेते हैं, खतरे की टर्म में लेते हैं. तो तब होता है अगर जब हमारा आइडिया जो है वो क्लियर नहीं होता, इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द एवर लास्टिंग लॉ. ठीक है, खतरा नुकसान तभी होता है ना जब हम ब्रेक करते हैं अपने जो लॉ है, एथिक्स है, उसको फुलफिल नहीं करते. क्योंकि यहाँ पे आइडियलिस्टिक एथिक्स है, तो हम उस आइडियल एथिक्स को फुलफिल नहीं कर रहे, उसको ब्रेक कर रहे हैं. फिलोसफी आइडियलिज्म, सिंस आइडियल्स कैन नेवर चेंज, आपका जो आइडियल है वो चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट. हमें पता है साकिन होता है, हम एक बार बना दिया वो भी हमें चूज करना है. मॉरल इम्पेरेटिव्स कंसर्निंग दैम डू नॉट एडमिट और एक्सेप्शन. तो हम इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बार जब बना दिया है वही आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं. That is these imperatives and stated in term of always or never. Always भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. For example, always tell the truth. अब ये बड़ी क्लियर है, ये हमारा आइडियल है, ये स्टैटिक भी है और एब्सोल्यूट भी है. हम इसको कभी भी पूरी लाइफ थ्रू आउट, ये वाले एथिक्स को, ये वाले आइडियलिज्म को, ये रियलिटी बेस है, हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते. हमें पता है ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो. तो ये इस चीज़ का बड़ा अच्छा से समझ आ गया कि इस एग्जांपल में लिखा ऑलवेज टेल द ट्रूथ, कि हाँ भाई आपकी मॉरल इंपेरेटिव्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, और ना ही हम कभी एडमिट कर सकते हैं कि भाई झूठ भी बोल सकते हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. जो आपके आइडियलिज्म है, रियलिटी बेस है, वो कभी भी चेंज नहीं होती. आइडियलिस्टिक जज ओनली ऑन द एक्शन इट सेल्फ, तो वो आपका जो आइडियलिस्ट है वो जज करता है जो भी उसके एक्शन इट सेल्फ अपने पे आता है, एंड नॉट ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन. वो उस तभी जज करता है जब उसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म होता है, तब नहीं होता. जो भी उसका रिजल्ट अब एक्शन का आया, उसके ऊपर नहीं बेस कर रहा हो. If an action is wrong, then it may not be performed. अगर आपका action wrong है तो हम इसको नहीं perform करेंगे. Even it perform as result, it is great deal of good. ख्वाब वो जितना मर्जी अच्छा हो, हम उसको perform नहीं करेंगे. Sometimes an idealist might excuse the performance of a wrong action because it is the smaller of two evils.
समटाइम्स जो हमारा आइडियलिस्ट है परफॉर्मेंस जो है वो गलत रॉन्ग एक्शन परफॉर्म करता है, किसकी वजह से? स्मॉल ऑफ टू इविल्स, कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी से छोटी मिस्टेक की वजह से भी हम कर रहे थे। तो इसकी एग्जांपल है, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग इनटू अ कंप्यूटर टू गेट इन्फॉर्मेशन, आप लोग देखो आपके पास सारा एक्शन था, आप परफॉर्म कर रहे हो, टू एवल स्मॉलर टू एवल, आपने ब्रेक किया ना, आपने गलत काम किया, आपने क्या किया, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को ब्रेक किया, इट माइट बी जस्टिफाइड इफ़ इट वॉज नेसेसरी टू सेव अ फाइल, और आपने उसको सेव भी कर लिया फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये जितना मर्ज़ी अच्छा काम हो, हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग ही है। नेचुरलिस्टिक रियलिटी, जी नेचुरलिज्म, फिलॉसफी के अंदर नेचुरलिज्म क्या है, इसके अंदर ऐसी ही टर्म्स आती हैं, नेचुरलिज्म, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, आइडियलिज्म एंड दैट्स ऑल, इसी तरह के ही हमारी टर्म्स आती हैं आपकी फिलॉसफी के अंदर। नेचुरलिस्टिक रियलिटी बिलीव दैट रियलिटी इज़ बेसिकली मैटर, आप ये जो रियलिटी है अकॉर्डिंग टू योर मैटर बेसिकली हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। द फिज़िकल यूनिवर्स, हम पूरी दुनिया में हम रह रहे हैं ना, तो हम स्पिरिट की बेस पे नहीं कर रहे होते, हम नेचुरल चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं। फॉर दी नेचुरलिस्ट दी ड्यूरिंग द थिंग इज़ मॉरल रियल दैन द आइडिया, हम यहाँ पे ना बेटा नेचुरल चीज़ के ऊपर बिलीव करना पसंद करते हैं, मॉरल रियल रियलिटी के ऊपर बिलीव, हम आइडियलिस्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते। वट एवर एग्जिस्ट इन इज देयर फॉर प्राइमेरली मटीरियल नेचुरल एंड फिज़िकल, ये कुछ भी हो सकता है मटीरियल नेचुरल और फिज़िकल, लेकिन नेचुरलिस्टिक रियलिटी होनी चाहिए, मॉरल रियलिटी होनी चाहिए। वट एवर एग्जिस्ट दोबारा हो गया, रिपीट एक बार लिख लें, इन सम क्वान्टिटी एंड देयर फॉर कैन बी मेजर्ड, ठीक है। एडवर्ड ली ट्रॉन्डाइक ने ये जो है एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपका साइकोलॉजिस्ट है, इसने बताया था कि आप देखते हो वट एवर एग्जिस्ट देखते हो, लेकिन इन सम क्वांटिटी, उसकी जो भी क्वांटिटी है हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। ये नेचुरल थिंग के ऊपर बेस करता है, नेचुरल रियलिटी बेस्ड है। रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी माइंड, डिपेंडेंटली नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंटली है ऑफ एनी माइंड, आपका माइंड और है, मेरा माइंड और है, हर किसी का माइंड लेवल चेंज है, एंड इज़ गवर्नड बाय द लॉ ऑफ नेचर और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर फुलफिल कर रहा, किसी को अच्छा लग रहा होता किसी को नहीं अच्छा लग रहा होता। प्राइमरी अमंग विच आर दी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कॉज और इफेक्ट, मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या उसके अब सबब बना है, एक वजह बन गई है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या असरअंदाजी होगी। द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट इज़ वन ऑफ द नेचुरल डिज़ाइन एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे आपका जो नेचुरलिस्ट है वो एक नेचुरल डिज़ाइन है और ऑर्डर हम फुलफिल कर रहे होते हैं बिकॉज हम मॉरल रियलिटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो ये आपका जो साइंटिस्ट है अरिस्टोटल, इस सेंस में तो बहुत फेमस है कि फिलॉसफी और साइकोलॉजिस्ट की सेंस में उसने ये जो कंसेप्ट था वो दरियाफ्त किया था, उसने ये पेश किया था कि हाँ ये होता है। अ फंडामेंटल करंट नेचुरलिस्ट इज प्रोफेसर जॉन सिरिल और स्टैंड फॉर यूनिवर्स हु हैज सेड, उसने ये कहा कि मेंटल स्टेट जो भी आपकी माइंड की स्टेट है और ऑल वेरिएबल स्टेट जो हम मतलब वेरिएबल होता है ना चेंज हो सकता है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकता है, ऑफ न्यूरॉन फायरिंग, जी आपका जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन्स के साथ मिलके बना हुआ है, ठीक है। जब ये न्यूरॉन्स मूव होती हैं, न्यूरॉन्स चलती हैं, न्यूरॉन्स शफलिंग हो रही होती है, तो आप देखो मैं अभी खाना खा रही हूँ, फिर मुझे याद आया कि मुझे ये भी काम करना, मुझे ये भी काम करना, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये खाना चाहिए था, तो ये आपका न्यूरॉन्स जो है वो वेरिएबल स्टेट्स कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन चेंज होता जा रहा है। कॉन्शियसनेस इज फीचर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन कॉज माइंड, तो आपका जो माइंड है ब्रेन है वो उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है, आप जो भी चीज़ों को फेस देख रहे होते हो समझ रहे होते हो।
नेचुरलिस्टिक एथिक्स, जी नेचुरलिस्टिक एथिक्स क्या हैं? हर एक रियलिटी है और हर एक एथिक्स अलग अलग है। फॉर द नेचुरलिस्ट दी बेस लाइन, इसकी क्या बैकबोन है ऑफ अ वैल्यू इज़ दैट विच इज़ नेचुरल। हमने वही देखना ना, हमारी बेस लाइन क्या है नेचुरलिस्ट की, क्या चीज़ जो है वो नेचुरल है, दैट इज़ विच इज़ इन कन्फर्मिटी विद नेचर। हम उसमें कन्फर्म करते हैं कि क्या वो नेचर के साथ बेस कर रही है, वो हमारी नेचर इज़ गुड। यस, नेचर इज़ गुड। वन नीड नॉट लुक बियॉन्ड नेचर और टू सम वन इन मटीरियल आइडियल। हम इसके आइडियल बेस नहीं काम करते। फॉर अ स्टैंडर्ड राइट और रॉन्ग, रेदर गुडनेस विल बी फाउंड बाई लिविंग इन कोऑर्डिनेशन विद द नेचर। जो भी हम एक माशरे में रह रहे हैं, जो भी हमें पता है कि नेचुरल चीज़ है, कोऑर्डिनेट कर रही है, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिव कर रहे होते हैं, हम लाइफ कर रहे होते हैं, हम जी रहे होते हैं, हम सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि ये चीज़ जो है वो नेचुरल है। हम गुडनेस और रॉन्ग ये हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, बस हम नेचुरल पे बिलीव कर रहे होते हैं। एविल फॉर द नेचुरलिस्ट इज़ डिपार्चर फ्रॉम दिस नेचुरल नॉर्म, आइदर इज़ अ डायरेक्शन ऑफ एक्सेस और डिफेक्ट्स। जिसमें हम देखते हैं हैविंग और डूइंग टू मच और टू लिटल टू समथिंग विच इज़ नेचुरली गुड। हम उसमें देख रहे होते हैं कि जो नेचुरली अच्छा लग रहा है वो करो, जो नेचुरली डायरेक्टेड है, परफेक्ट है, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बस हम चीज़ को फुलफिल कर रहे होते हैं। इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द नेचुरल लॉ। सो लेकिन आप लोग जब इसकी डिफेक्ट्स, एक्सेस और डायरेक्शन को रोंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी नेचुरल चीज़ों को, तो फिर वो आप नेचुरल लॉ को क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे आया है आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस और डिफेक्ट। हम उसको गलत वे में यूज़ कर रहे हैं, हम गलत एक्सेस कर रहे हैं। जॉन हैज़ क्रिश्चियन नेचुरलिस्ट, ही सीज नेचर एज द बेस लाइन ऑफ द मोरालिटी। उसने कहा कि जो नेचुरलिस्ट कंसेप्ट है वो आपकी बेस लाइन है, मोरालिटी आपकी हकीकी मिजाज के साथ मिलती है, हकीकत के साथ मिलती है। बट नेचर मस्ट बी सीन एज क्रिएटेड, आपकी जो नेचर है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, अदरवाइज ह्यूमन बींग वुड हैव नॉट अल्टीमेट पर्पज और मीनिंग। अदरवाइज आप ह्यूमन का कोई भी अल्टीमेट पर्पस नहीं है इस दुनिया में सर्वाइव करने का, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि पहले ये हुआ था अब ये हो रहा है, मतलब हर चीज़ नेचुरल जो भी आपकी प्रीवियस चलती आ रही है, बैक से चलती आ रही है, उसके ऊपर जो है वो क्रिएट करता है अपनी सारी सिचुएशंस को। अदरवाइज ह्यूमन का इस दुनिया में कोई भी पर्पस नहीं है, उसका कोई भी मीनिंग एलिमिनेट नहीं होता। कि स्टूडेंट्स, हम ये जो प्रैग्मेटिज्म है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग तो वैसे सुनना पसंद नहीं करते। एक सेमेस्टर है चूँकि अपने आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो इसलिए आप लोगों को कम पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा, आप लोगों से मैंने सिनेरियो के आंसर्स भी मांगे थे, आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट्स के अंदर उसके आंसर्स नहीं दिए, तो सीरियस हो जाओ, ठीक है, और सीरियस होकर आंसर दो मुझे हर सिनेरियो का उधर। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट्स। अल्लाह।